जो भी फैसला आया है भारत के पक्ष में है, भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में मुसलमान ना कोई नहीं जीता है, ना किसी की हार हुई है, बहुत अच्छा डिसीजन आया हुआ है, इसमें सब खुश है। सुप्रीम कोर्ट को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, माननीय भारत केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लंबे समय से चल रहे अयोध्या विवाद पर फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने पूरा फैसला जो है वो पढ़ दिया है, जो पटना के हुआ है, काफ़ी खुश हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के महावीर मंदिर के पास और साफ साफ ये कहा गया है कि मुस्लिम अपना जो एकाधिकार है उस ज़मीन पर साबित नहीं कर पाए हैं। हालाँकि उन्हें अलग से ज़मीन दिया जाएगा और जो फैसला है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के पक्ष में आया है, रामलला भी वहीं रहेंगे। और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर के पास, आज शनिवार का दिन है, जो लोग यहां पर पूजा पाठ करने आए हैं, चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं क्या है उनका राय। अच्छा सर, फैसला आ गया है अयोध्या मुद्दे पर, क्या कहेंगे इस पर? मेरा यही कहना है कि इतना दिन से जो लंबित मामला था आज उसका निदान हो गया, अब सारे समुदाय मिलकर काज करेंगे, हम लोग बहुत खुश हैं। आपसी सौहार्द बना रहेगा? हाँ, सौहार्द बना रहेगा। देखिए जो लोग हैं पटना में वो क्या कुछ कर रहे हैं, महावीर मंदिर पहुँचे हुए हैं, अयोध्या मामले पर फैसला आ गया है, रामलला वहीं रहेंगे, क्या कहेंगे सर? जो भी फैसला आया है भारत के पक्ष में है, भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में जीता है ना मुसलमान, ना कोई नहीं जीता है, ना किसी की हार हुई है, बहुत अच्छा डिसीजन आया हुआ है, इसमें सब खुश है, सब खुश है। देखिए लोगों की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं झलक रही है और जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। हालांकि अलग से ज़मीन दी जाने की बात कही गई है, उसके विकल्प में और जगह पर ज़मीन दी जाएगी, जो युवा है यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, अयोध्या मुद्दे पर जो फैसला है उस पर क्या कहेंगे सर? इससे देखिए लोग जो हैं वो कुछ कहने से भी बच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हक में है। और जो युवा हैं हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, जो फैसला निकल के आया है क्या कर रहे हैं इस पर? फैसला देश के सम्मान में आया है और हमारे सनातन धर्म के सम्मान में आया है कि जो हमारे रामलला वहाँ बरसों पहले से जो उनका मंदिर को विध्वंस किया गया था, उसमें मस्जिद बनाया गया था, फिर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था, तो आज इस फैसला से पूरे सनातन धर्मवासियों में, पूरे हिंदू परिवार में खुशी का एक लहर है। और ये फैसला देश का है और हिंदू धर्म का है, और इस फैसला में मैं सम्मान करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, माननीय भारत केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि मुसलमानों के लिए भी अच्छी खबर है कि उन्हें भी ज़मीन दी जाएगी, कहीं ना कहीं देश जी अयोध्या से बाहर उनको 5 एकड़ की ज़मीन मुहैया कराई जा रही है जी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पक्ष के लिए, हाँ, इसमें सामंजस्य बनाने का कोशिश किया गया है, किसी भी धार्मिक अवहेलना इसमें नहीं होने वाला है, बस समझने का फेर है, अगर समझ जाए तो उनका भी धर्म अपने जगह पे ही है, मतलब सब कुछ सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। अयोध्या पर जो फैसला आया है क्या देश में खुशी है? देश में खुशी है, सभी इसे मान रहे हैं, सभी सभी, और चारों शांति बरकरार रहे, बढ़िया से बढ़िया से। आप चाहते हैं कि शांति बरकरार? हाँ, शांति हम चाहते हैं, मुस्लिम भाई भी चाहता है, सब चाहता है। देखिए पटना के महावीर मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं और शनिवार का दिन है, जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आ रहे हैं उनकी क्या राय है ये हमने आप तक साझा करवा दी है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।